नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने मामले में राहुल की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने राहुल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी उपनाम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। पीठ ने कहा, इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोष सिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए। राहुल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र में हिस्सा लेने का अवसर गंवा दिया है और एक और सत्र में शामिल होने का मौका खोने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। राहुल गांधी ने 15 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा था कि अगर 7 जुलाई को पारित आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार व्यक्त करने और बयान देने की आज़ादी का दम घुट जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।